बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ओवल शेप टेबल मैट का पार्ट टू देखेंगे। पार्ट वन में हमने राउंड थ्री तक बनाया था और अभी यहाँ पे मैंने सिक्स राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं और हर राउंड में यहाँ पे मैंने एक एक डबल क्रोशे को इनक्रीज़ किया है। तो बाकी के राउंड्स मैं आपके साथ बनाऊंगी, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हमने एक एक डबल क्रोशे कहाँ से इंक्रीज़ किया है। और बाकी के जो राउंड टू और राउंड थ्री हैं वो बार बार हमने रिपीट करने हैं। वही पैटर्न हमारा राउंड एट तक चलेगा। और ये देखें, ओवल साइड पे ये जो हमारा पैटर्न है, ये यहाँ पे हमने 10 टाइम्स ये पैटर्न जो है वो बनाया था। तो अब हम राउंड सेवन स्टार्ट करेंगे और राउंड सेवन जो है वो बिल्कुल राउंड थ्री की तरह बनेगा, लेकिन हर राउंड में जैसे हमने एक एक डबल क्रोशे यहाँ पे इंक्रीज़ किया है, 4, 5, 6, 7 और 8 डबल क्रोशे हम बना चुके हैं। और अब हम इस राउंड में 9 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस जगह पे फर्स्ट थ्री चेन्स हमारी एक डबल क्रोशे काउंट होगी, और प्रीवियस राउंड में हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशे बनाए थे, तो हर डबल क्रोशे पे हमने एक एक डबल क्रोशे बना के पहले हमने इस जगह पे 8 डबल क्रोशे बनाने हैं, और उसके बाद लास्ट वाले डबल क्रोशे पे एक और डबल क्रोशे बना के इस राउंड में हमने इस जगह पे 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये देखें, लास्ट वाले डबल क्रोशे पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाए हैं, और इस तरह से हमने हर राउंड में एक एक डबल क्रोशे को इंक्रीज़ करते हुए इस जगह पर आ गए हैं। उसके बाद इन डबल क्रोशे के दरमियान में हमने 2 चेन्स का गैप दिया है हर राउंड में, और उसके बाद इसी तरह से हमने इस पैटर्न को अगले सेक्शन में कंटिन्यू करना है। प्रीवियस राउंड में हमारे यहाँ पे 8 डबल क्रोशे बने थे और अब इस राउंड में हमने 9 डबल क्रोशे बनाने हैं। और वो कैसे बनेंगे कि लास्ट वाले डबल क्रोशे पे हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं। लास्ट में एक बार फिर देखें, ये जो लास्ट का हमारा डबल क्रोशे होगा उस पर हमने 2 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं। इस तरह से हमारा हर राउंड में एक एक डबल क्रोशे इंक्रीज होता जाएगा। और ये देखें, यहाँ पे 4 थे, 5, 6, 7, 8 और अब इस राउंड में 9 डबल क्रोशे बन चुके हैं। तो इस तरह से हमारा ये राउंड 7 यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और इसकी जो कर्व साइड है वो कुछ इस तरह से हमारी नज़र आएगी। और इसके बाद यहाँ पे हमारे 9 डबल क्रोशे बने हैं। और अब ये जो राउंड 2 और 3 हमने बनाया था, उन्हीं राउंड्स को रिपीट करते हुए हमने राउंड 6 तक बनाए हैं। ऑल्टरनेट राउंड 2 और राउंड 3 रिपीट होगा। और अब यहाँ पे हमने राउंड 3 को रिपीट करना है 1 चेन गैप के साथ स्टार्ट करके। और ये जो हमारा 2 चेन का गैप था उसमें हमने अगेन 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। और जैसे हमने राउंड 3 में एक पैटर्न को ऐड किया था इस जगह पे, और वो था 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे और 1 चेन, तो वो हमने पैटर्न इसमें ऐड करना है। उसके बाद फिर वही पैटर्न 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे हमने 2 चेन गैप में बनाना है। तो जिससे हमने राउंड 3 में एक पैटर्न को ऐड किया था, वही हमने राउंड 7 में भी राउंड 3 को रिपीट करना है। इस तरह से 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे और 1 चेन का पैटर्न ऐड करके, और बस इसी पैटर्न को हमने राउंड 7 में कंटिन्यू करना है। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ जिस तरह से हमारा राउंड 3 जो है वो 1 चेन, 1 सिंगल क्रोशे और 1 चेन पैटर्न के
ऐड करने से कर्व शेप में आ गया था। इसी तरह से राउंड 7 भी हमारे पास इस तरह से कर्व शेप में आता जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे हमने राउंड 7 को कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से ये 10 टाइम्स हमने इस पैटर्न को रिपीट करना है और स्टार्ट में और एंड में हमने 1 चेन का गैप देना है। तो इस तरह से हमारा ये राउंड 7 कंप्लीट हो गया है और अब हम यहीं से राउंड 8 को स्टार्ट करेंगे और राउंड 8 में हमने उसी तरह से जैसे 3 चेन्स से हमने स्टार्ट लिया था और यहाँ पे हमने प्रीवियस राउंड में 9 डबल क्रोशे बनाए थे, लेकिन अब हमने इस जगह पे 10 डबल क्रोशेज़ बनाने हैं एंड में 2 टाइम्स डबल क्रोशे बना के। तो आइए राउंड 8 को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, राउंड 8 में हमने इस जगह पे 10 डबल क्रोशेज़ बनाए हैं 2 चेन गैप के साथ। और अब यहाँ पे जो हमारा पैटर्न होगा वो जैसे हमने राउंड 2 में पैटर्न बनाया था उसी तरह से सेम हमने राउंड 8 में भी वही पैटर्न रिपीट करना है। 1 चेन गैप के साथ स्टार्ट किया है और 2 चेन गैप में हमने 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं और इसके बाद कोई और पैटर्न हमने इसमें ऐड नहीं करना जैसे हमने प्रीवियस राउंड में किया था। बिल्कुल वही हमने नेक्स्ट 2 चेन गैप में 2 डबल क्रोशे, 2 चेन और 2 डबल क्रोशे बना लेने हैं। तो इस तरह से इस राउंड का पैटर्न हमारा बिल्कुल जैसे हमने राउंड 2 में बनाया था विदाउट एनी एडिशन, 2 डबल क्रोशे, 2 चेन्स, 2 डबल क्रोशे हमने हर 2 चेन गैप में बना लेना है। और इस तरह से इस राउंड में हमारा जो पैटर्न है वो कर्व शेप में नहीं आएगा बल्कि स्ट्रेट आएगा। और इस तरह से ये देखें 2 3 2 3 2 3 और 2 जो राउंड है वो हमारे बार बार रिपीट हो गए हैं और 8 राउंड्स हमने यहाँ पे बना लिए हैं। और अब राउंड 9 में हम वूल कलर को चेंज करेंगे, लाइट कलर से हम इस राउंड को बनाएंगे और एक स्लिप नॉट लगा के ये जो हमने 10 डबल क्रोशेज़ बनाए थे राउंड 8 में उसका फर्स्ट और लास्ट जो डबल क्रोशे है उसको हम स्किप कर देंगे और ये सेकंड डबल क्रोशे से हम स्टार्ट करेंगे। एक स्टैंडिंग स्टिच बनाएंगे इस पर एक बल दे के और एक एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से और इससे अगले वाले स्टिच पे हम 2 डबल क्रोशेज बनाएंगे। ठीक है, ये देखें दूसरा और ये तीसरा भी हम उसी स्टिच पे बना लेंगे। तो इस तरह से 2 डबल क्रोशेज पे हमने 3 डबल क्रोशेज बनाए हैं। उसके बाद एक डबल क्रोशे को हम स्किप कर देंगे और 2 चेन्स का गैप देके नेक्स्ट वाले 2 पे हम 3 डबल क्रोशेज बनाएंगे। पहले वाले पे 1 डबल क्रोशे और उससे अगले वाले पे 2 डबल क्रोशेज। ये देखें, उसके बाद 2 चेन्स का गैप देंगे, एक स्टिच को स्किप करेंगे और उससे नेक्स्ट 2 स्टिचेस पे पहले वाले पे 1 और दूसरे वाले पे 2 डबल क्रोशेज बनाएंगे इस तरह से। तो इसी तरह से हमने इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स गैप, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन्स गैप। और ये जो हमने बीच में 2 चेन्स का गैप छोड़ा था इसमें भी हम 3 डबल क्रोशेज बनाएंगे और नेक्स्ट वाले 10 डबल क्रोशे सेक्शन में हमने उसी तरह से जैसे पहले वाले के स्टार्ट में और एंड में हमने एक एक डबल क्रोशे को छोड़ा है इसी तरह से इस सेक्शन में भी हमने फर्स्ट डबल क्रोशे को छोड़ के बाकी पे हमने इस पैटर्न को कंटिन्यू करना है। और ये 2 चेन गैप में भी हमने 3 डबल क्रोशेज बना लेने हैं। तो इस तरह से हमारा ये कर्व साइड जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद अब हम इस ओवल की लॉन्ग पे आएंगे, चेन्स का गैप देके जो हमने
टू चेन स्पेस पैटर्न में बनाई थी। उस टू चेन स्पेस में हमने थ्री डबल क्रोशेज बनाने हैं और उसके बाद टू चेन्स का गैप देके नेक्स्ट वाली स्पेस में आ जाना है और इस तरह से इस राउंड को हमने कंप्लीट कर लेना है। थ्री डबल क्रोशेज टू चेन गैप, थ्री डबल क्रोशेज टू चेन गैप। तो यहाँ पे देखें हमारा राउंड 9 कंप्लीट हो चुका है और हमने थ्री डबल क्रोशेज टू चेन गैप, थ्री डबल क्रोशेज टू चेन गैप के साथ इस राउंड को कंप्लीट किया है लाइट कलर के साथ। और उसके बाद राउंड 10 और राउंड 11 जो हैं वो हमारे बिल्कुल सेम इसी तरह से बनेंगे। लाइट कलर के बाद डार्क कलर अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ और एक स्लिप नॉट लगा के एक स्टैंडिंग स्टिच बनाना है हमने। ये जो टू चेन गैप हमने दिया था उसमें अब हमने थ्री डबल क्रोशेज बनाने हैं इस तरह से और उसके बाद टू चेन्स का गैप देना है और नेक्स्ट टू चेन स्पेस में हमने अगेन थ्री डबल क्रोशेज बनाने हैं। तो ये देखें थ्री एक्सटेंडेड डबल क्रोशेज बनाने के बाद टू चेन का गैप दिया है और नेक्स्ट स्पेस में भी हमने यही पैटर्न रिपीट करना है और इस तरह से थ्री डबल क्रोशेज टू चेन, थ्री डबल क्रोशेज टू चेन के साथ हमारा राउंड 10 और राउंड 11 इसी तरह से बनेंगे। राउंड 10 जो है वो हमने डार्क कलर से बनाना है और राउंड 11 जो है वो हमने अगेन लाइट कलर से बनाना है। तो यहाँ पे हमारे राउंड 10 और राउंड 11 भी कंप्लीट हो चुके हैं। राउंड 10 हमने डार्क कलर से बनाया था और राउंड 11 हमने अगेन लाइट कलर से बनाया है लेकिन पैटर्न हमने सेम रखा है राउंड 9 की तरह। और अब हम राउंड 12 शुरू करेंगे डार्क कलर के साथ और एक स्लिप नॉट लगा के एक एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाएंगे हम। उसके बाद इसी स्पेस में हमने 8 डबल क्रोशेज टोटल बनाने हैं। ये 7 बन गए हैं और ये हमारा 8th एक्सटेंडेड डबल क्रोशे इस एक स्पेस में बन गया। उससे नेक्स्ट स्पेस में हमने एक चेन का गैप देके 1 एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बनाना है और अगेन 1 चेन का गैप देना है और फिर नेक्स्ट वाली स्पेस में अगेन हमने 8 डबल क्रोशेज बनाने हैं। तो इस राउंड का पैटर्न हमारा कुछ इस तरह से होगा 8 डबल क्रोशे, 1 चेन गैप, 1 डबल क्रोशे एंड 1 चेन गैप। यही हमने अल्टरनेट हर स्पेस में ये पैटर्न रिपीट करना है और इस राउंड 12 को हमने कंप्लीट कर लेना है डार्क कलर के साथ। तो ये देखें ये एक स्पेस में हमने 8 डबल क्रोशे बनाए हैं और उससे नेक्स्ट वाली स्पेस में हमने 1 डबल क्रोशे बनाया है 1 चेन गैप के साथ। तो इस तरह से हमारा 12 राउंड्स कंप्लीट हो गए और अब हमने इस टेबल मैट का लास्ट राउंड स्टार्ट करना है एक स्लिप नॉट लगा के। और ये जो हमने 8 डबल क्रोशेज बनाए थे उसके पहले वाले डबल क्रोशे पे हमने एक डबल क्रोशे बनाना है, फिर 1 चेन का गैप देना है और उससे अगले वाले पे भी हमने एक डबल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 4 डबल क्रोशेज पे 1 चेन गैप के साथ 4 एक्सटेंडेड डबल क्रोशेज बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद ये इसका सेंटर आ गया, इस सेंटर में हमने एक पिकॉट बनानी है 3 चेन्स के साथ। तो ये देखें ये 3 चेन्स बना के फर्स्ट चेन के साथ हमने स्लिप स्टिच बना के एक छोटी सी पिकॉट बना लेनी है और उसके बाद बाकी के 4 डबल क्रोशेज पे भी हमने 4 एक्सटेंडेड डबल क्रोशेज बनाने हैं लेकिन 1 चेन गैप के साथ। प्रीवियस राउंड में हमने जो 8 डबल क्रोशेज बनाए थे उनमें हमने 1 चेन गैप नहीं दिया लेकिन इस लास्ट राउंड में हमने हर डबल क्रोशे के ऊपर नेक्स्ट डबल क्रोशे बनाने के लिए एक चेन का गैप भी देना है। तो ये देखें ये 8th डबल क्रोशे आ गया और इसके ऊपर भी हमने एक एक्सटेंडेड डबल क्रोशे बना लिया और उसके बाद
ये जो पॉइंट है इसको आपने अच्छे से देखना है। यहाँ पे हमने एक्सटेंडेड ट्रेबल बनाना है दो बल के साथ, इस तरह से दो बल लेके आगे से हमने क्रोशे हुक को इस डबल क्रोशे के ऊपर से गुजारना है और उस पर हमने एक एक्सटेंडेड ट्रेबल बना लेना है इस तरह से। उसके बाद अगेन हमने दो बल लेने हैं और इस डबल क्रोशे के ऊपर हमने एक एक्सटेंडेड ट्रेबल बनाना है। ये देखें इस तरह से आगे की तरफ से हमने क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है और उसके ऊपर हमने इन दोनों बलों को एक्सटेंडेड ट्रेबल की तरह से बुन लेना है और फिर नेक्स्ट वाले 8 डबल क्रोशेस पे आ जाना है और उसी तरह से हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे बना के 1 चेन का गैप देना है और उसके बाद अगले वाले डबल क्रोशे पे एक डबल क्रोशे बनाना है और 4 डबल क्रोशेस बना लेने के बाद हमने सेंटर में एक 3 चेन पिकॉट बनानी है। ये देखें यहाँ पे हमने 3 चेन पिकॉट बनानी है। 3 चेन्स बना के फर्स्ट चेन पे हमने एक स्लिप स्टिच लगाना है और इस तरह से एक पिकॉट बन जाएगी और उसके बाद नेक्स्ट के 4 डबल क्रोशेस पे हमने 4 डबल क्रोशेस बनाने हैं लेकिन 1 चेन गैप के साथ। इस तरह से डबल क्रोशेस के दरमियान में हमने एक एक चेन का गैप देना है। तो यहाँ पे आप एक बार फिर ये एक्सटेंडेड ट्रेबल्स को बनता हुआ देखें। इस तरह से आपने क्रोशे हुक के ऊपर एक की बजाय दो बल लेने हैं और ऊपर से आपने इस डबल क्रोशे के ऊपर से क्रोशे हुक को इंसर्ट करके इन दोनों बलों को इस तरह से आपने बारी बारी बुन लेना है और दूसरी साइड पे भी आपने इसी तरह से दो बल लेके क्रोशे हुक को ऊपर से गुजार के इस तरह से 4 टाइम्स आपने इन बलों को बुन लेना है और अगेन वही पैटर्न आपने रिपीट करना है। 8 डबल क्रोशेस के ऊपर इस तरह से 1 चेन गैप देके आपने एक एक डबल क्रोशे बनाना है, 4 एक्सटेंडेड डबल क्रोशेस बना लेने के बाद आपने सेंटर में एक 3 चेन पिकॉट बनानी है। तो इस तरह से देखें ये हमारा 4th वाला डबल क्रोशे बन रहा है। इस तरह से 1 चेन गैप के साथ हमने 4 डबल क्रोशे बना लिए हैं और इसके सेंटर में हमने अब ये 3 चेन पिकॉट बनानी है। 3 चेन्स बना के फर्स्ट चेन के साथ हमने एक स्लिप स्टिच लगाना है और तो एक पिकॉट बन जाएगी और उसके बाद बाकी के 4 डबल क्रोशेस पे हमने 4 डबल क्रोशेस बनाने हैं लेकिन 1 चेन गैप के साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टेबल मैट अच्छे से समझ आ चुका होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा डिफरेंट कलर्स के साथ और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये ओवल शेप टेबल मैट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।